देखिए, झारखंड में भले ही मॉब लिंचिंग की घटना हुई हो, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बरेली यानी उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले में भी हुई है। बरेली कमिश्नरी पर रोष जताया गया है, बरेली कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भाइयों ने, मुसलमानों ने विरोध जताया इस घटना को लेके, उसमें हिंदू भी शामिल रहे हैं। मॉब लिंचिंग यानी कोई मामूली सी बात को लेके जनता भीड़ पीट पीट कर किसी को मार दे, ये बात किसी को रास नहीं आ रही है। इससे ना केवल मुल्क की गरिमा गिर रही है दुनिया में, बल्कि शासन और प्रशासन की नीति और नियत पर भी उंगली उठने लगी है। आज कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस दौरान क्या क्या बोले हैं बरेली के कुछ जागरूक लोग, हम उनकी बात आपको सुनवाने जा रहे हैं। ज्ञापन देने के दौरान कौन लोग मौजूद रहे हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए चलते हैं बरेली की कलेक्ट्रेट। कब तक जुल्म सहे, कब तक तकलीफें सहे, आखिर चाहते क्या हो आप लोग, क्या चाहते हो, क्यों जुल्म करना चाहते हो, कब तक हमें मारते रहोगे, कब तक हम पिटते रहेंगे, ये चाहते हो कि हम लोग सब सड़क पर आ जाएं, सब अपने कपड़े फाड़ के मैदान में आ जाएं, ये चाहते हैं क्या आप लोग, क्या क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप, क्यों नहीं मुआवजा देते हमारे लोगों को, कब तक मरवाते रहेंगे, क्या सरकारें कर रही हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी चोरियाँ, कितनी डकैती हो रही हैं, क्या करना है आप बताएं हमें, हम सवाल कर रहे हैं सरकार से, दरबार कर रहे हैं अफसरों से, अफसरान से, प्रशासन से, क्या चाहते हैं, कब तक मरवाते रहेंगे। भजन, क्या नाम आपका? दाऊद खान, आजाद कदम सेवा समिति। दाऊद भाई, क्या कहना चाहेंगे मॉब लिंचिंग की इस बढ़ती घटनाओं पे? मॉब लिंचिंग जो है, हम चाहते हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जो तबरेज अंसारी को इन लोगों ने घेर के मार दिया, उसके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। महासभा से चौधरी राशिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि ये भारत में श्री रामचंद्र जी के नाम को बदनाम किया जा रहा है, बॉम्ब लीचिंग करके लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, ये सरासर गलत है। ये बैठे हुए मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की रोकथाम करें, वरना मुसलमान सड़कों को उतर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और उस दिक्कत का सामना करना मुश्किल। हैदर अली, समाजवादी पार्टी के नेता, क्या कहना चाहेंगे हैदर मियां? हिंदुस्तान गंगा जमुना सरस्वती का देश है, या गंगा जमुना तहजीब, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया गंगा जमुना तहजीब के नाम से जानती है। आज हिंदुस्तान का जिस मुसलमानों ने अशफाकुल्ला खान के रूप में, जिस मुसलमान ने वीर अब्दुल हमीद के रूप में, जिस मुसलमान ने एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में, और लाखों करोड़ों ऐसे लोग जिनका नाम इतिहास में दफन हो चुका है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी, आज कुछ लोग सत्ता के नाम पर, धर्म के नाम पे उनके पुरखों की जाने ले रहे हैं, उनकी नस्लों की जाने ले रहे हैं, जिसका विरोध आज बरेली कलेक्ट्रेट पर तमाम मुसलमानों ने और हिंदू भाइयों ने, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग में हमारे साथ हैं, उन्होंने विरोध किया और राष्ट्रपति महोदय से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवादी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों को 50 लाख रुपए मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई।